नमस्ते टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बेसिक पोस्चर जिसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं और आप नॉर्मली डे टू डे रूटीन में करते होंगे अपने जिम में या योगा में, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग इसको गलत करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैट एंड काउ पोज, इसका सही तरीका और क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। सो गाइस कम, फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपने जो नीज हैं वो आपको अपने हिप की लाइन में रखने हैं। तो लोग नॉर्मली या तो पीछे रखते हैं या आगे रखते हैं, और आपके जो हैंड्स हैं, आपकी जो रिस्ट है, वो आपको अपने शोल्डर लाइन में रखनी है। तो आप जब इस पोस्चर में आते हैं, ये इस लाइन में, ना ज़्यादा आगे है ना ज़्यादा पीछे है। तो आप इस पोजिशन में आने के बाद आपके लेग जो है उसको रिलैक्स रखना है, और आपकी जो बैक है इसको इनर कर्व देना है, और आपको ऊपर की तरफ देना है। सो दिस इज काउ पोज। और जब आप इसको ही आउटर कर्व देते हैं इस तरीके से और नीचे देखते हैं, वो होता है कैट पोज। सो इस तरीके से रिपीटेशन करने होते हैं काउ पोज एंड कैट पोज। नाउ दो गलती नॉर्मली बेसिक लोग क्या कर लेते हैं कि एक तो ब्रेथ अच्छे से नहीं लेते हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग इन काउ पोज तो आपको इनहेल करना है, और जब आप कैट पोज में जा रहे हो तो आपको एक्सहेल करना है। दूसरी चीज़, जो आपकी दृष्टि होती है, आपकी जो गेजिंग होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जब काउ पोज में होते हो तो यू हैव टू गेज एट योर थर्ड आई, और जब आप कैट पोज में होते हो तो यू हैव टू गेज एट योर नेवल सेंटर। तो आपको जब आप काउ पोज में जा रहे हो आपको ऊपर की तरफ आपकी थर्ड आई की तरफ देखना है, और जब नीचे आ रहे हो, जब आप कैट पोज में आ रहे हो, तब आपको अपने नेवल सेंटर पे देखना है। तो ये दृष्टि, ये गेजिंग से बहुत फर्क पड़ता है, और आपकी ब्रीथिंग से बहुत फर्क पड़ता है। जब आप काउ पोज में जाओ तो इनहेल करो, जब आप कैट पोज में जाओ तो एक्सहेल करो। इसके ये होता है सही तरीका। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको जो अगर लोअर और अपर बैक में पेन है तो उसको बहुत रिलीफ करता है। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसके फायदे देखेंगे। और दूसरा है कि इसका जो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। अगर आप रनिंग के लिए जाते हैं, या अगर आप जिम जाते हैं, या योगा करते हैं, या डांस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो करने से पहले और बाद में ये एक्सरसाइज एक स्ट्रेचिंग के लिए काम आती है, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहती है। अगर आपको ये बहुत ईजी लगता है, आपसे बहुत नॉर्मली हो जाता है, आपको इसके 15-20 रेप्स करने हैं, 2-3 राउंड, अगर आप इस पोस्चर को थोड़ा इंटेंसीफाई करना चाहते हैं, ज़्यादा फर्क देखना चाहते हैं, तो आप सेम पोस्चर में आके क्या कर सकते हैं, अपने लेग्स को इस तरीके से प्लेस करके अपनी नीज को ऊपर लेके जा सकते हैं, एंड देन सेम पोस्चर करना है आपको। तो आपको सेम चीज फॉलो करनी है, सिर्फ आपकी नीज ऊपर रहेंगी, और आपको वही ब्रीथिंग और वही गेजिंग करनी है। इससे जो पॉज है वो थोड़ा इंटेंसिफाई हो जाएगा, थोड़ा एडवांस हो जाएगा। अगर जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है, वो लोग ये ट्राई कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी पता पड़ेगा कि क्या राइट तरीका है। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। नमस्ते, थैंक यू।